भाई राहुल, मैं तो इस जॉब से परेशान हो चुका हूँ। ना सैलरी बढ़ाते हैं, ना प्रमोशन करते हैं, ऐसी जॉब में तू इतना खुश और कॉन्फिडेंट क्यों है भाई? भाई मुझे जॉब की टेंशन नहीं है, मैं ऑफिस के बाद थोड़ा टाइम निकाल कर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। पहले मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता था, फिर मुझे मेरी कंपनी के लीडर्स ने कस्टमर और टीम कैसे बनाते हैं ये सिखाया। अब जब मैं ऑफिस में हूँ तब भी कोई ना कोई काम करता है तो थोड़ा कमीशन आ जाता है। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होगा वैसे वैसे कमीशन भी ज्यादा आएगा। कोई टारगेट नहीं है और सपोर्ट पूरा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो फर्जी होती है यार, स्कैम है ये तो। अच्छा स्कैम ऐसा क्यों भाई, समझाओ जरा। अरे इसमें ऊपर वाले तो पैसा कमाते हैं, वो गोले स्ट्रक्चर बनाने हैं ना, जो ऊपर होगा वो ज्यादा कमाते हैं और नीचे वाले को कुछ मिलता नहीं है। पहली बात तो ये, 2020 में इंटरनेट के जमाने में जहां सारी जानकारी मौजूद है वहां कोई बेवकूफी ऐसी बातें कर सकता है। चल कोई बात नहीं, फिर भी ये बता हमारी कंपनी में सबसे ऊपर कौन है? मालिक है। फिर उसके नीचे कौन है? सीईओ है, सीईओ है। अच्छा फिर उसके नीचे मैनेजर हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर हैं। अच्छा फिर उसके नीचे, इनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, एसएमई है, फिर टीम है और टीम में हम हैं। अच्छा अब ये बता हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? ऑब्वियसली हमारा मालिक। तो भाई सबसे बड़ी फर्जी तो हमारी कंपनी है जहां पर हम जॉब कर रहे हैं, एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो नीचे है वो भी ऊपर वाले से ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो इतनी कंपनीज बंद कर दी हैं, कईयों पे तो केस चल रहे हैं। जिस कंपनी में बिना प्रोडक्ट और सर्विस के पैसों का लेन देन होता है वो फर्जी होती है, इसलिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो जाते हैं ताकि सरकार काले धन और गलत मनी रोटेशन को बंद कर सके। वैसे ये बता, जो फैक्ट्री थी नोएडा में जहाँ 5000 लोग काम करते थे वो भी तो बंद हो गई है, फिर तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो जानी चाहिए। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरा कजन है वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ना करो तो ही फायदा है। अच्छा तेरा कजन क्या करता है? भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। यार मेरे पेट में पथरी है, उससे बोलना ऑपरेशन कर दे। अबे ये कैसी बातें कर रहा है, वो इंजीनियर है ना कि डॉक्टर। तो भाई इंजीनियर होकर अगर मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं तो डॉक्टरी भी कर ही लेंगे, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जो वकील है वो वकालत जानता है, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो रियल एस्टेट के बारे में जानता है। दरअसल यहाँ पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से लोग ये बातें करते रहते हैं। तो खुद ही बता, कॉमर्स का टीचर केमिस्ट्री कैसे पढ़ा देगा? बात तो तेरी सही है, लेकिन यहाँ कुछ ही लोग पैसे कमाते हैं, कुछ तो 4-5 साल लगाकर भी कुछ नहीं कमा पाते। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई डिग्री नहीं होती है, 18 साल से ऊपर का हर एक आदमी किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ इसे कर सकता है। पहले ही दिन कोई मास्टरी नहीं कर सकता है। जब किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी ग्रेजुएट को कोई बिजनेस सिखाने को तैयार नहीं होता, वो MLM में पहले सीखता है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, लीडरशिप जैसी चीजें जो MBA में नहीं सिखाई जाती है, वो यहाँ सीखता है। लाखों रुपए ना लगाकर कोई कुछ हजार से अगर 4 सालों में इस काबिल हो गया कि उसको किसी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, वो ऐसी काबिलियत पैदा कर लेता है कि अनजान शहर में जाकर भी बिजनेस कर पाए, तो पैसा वो कमा ही लेगा। लेकिन लोग जो फेल हुए हैं उनको देखते हैं। अगर लाखों लोगों ने पैसे नहीं कमाए तो लाखों लोगों ने करोड़ों भी कमाए हैं। और वैसे भी क्या सारे सिंगर सेलिब्रिटी हैं? क्या सारे पॉलिटिशियंस मुख्यमंत्री हैं? क्या सारे प्रॉपर्टी डीलर अमीर हैं? क्या सारे वकील विलास में रहते हैं? क्या सारे बिजनेसमैन अंबानी की तरह बन चुके हैं? क्या सारे इनोवेटर्स स्टीव जॉब्स बन चुके हैं? हर क्षेत्र में कुछ ही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं जो सही तरीके से मेहनत करते हैं। फिलहाल तो मेरी बात नहीं समझेगा, अभी अपना काम कर। बस किसी दूसरे को बिना करे ये मत बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होती है। और आप सबका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी ही वीडियो ट्रेडिशनल बिजनेसेस वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी बनाएं तो कमेंट कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आने पर हम आपके लिए जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। द नेटवर्किंग शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।